हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये पोंचो की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ 8 से 12 साल के लिए बनाया हुआ है, लेकिन मैं जो आप लोग को बताऊँगी फ्रेंड्स वो 3 से 5 साल के लिए बताऊँगी। सेम यही डिज़ाइन रहेगी, यही कलर रहेगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बैक साइड से इसका फुल देखिए लुक ऐसे ही है और फ्रंट साइड से भी ऐसे ही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए इसका नेक भी वी शेप का है, बहुत ही परफेक्ट नेक बनता है, बहुत ही जल्दी बनता है फ्रेंड्स। आप इसे इजीली 2 से 3 घंटे में बना सकते हैं, बहुत कम ऊन भी लगते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 200 ग्राम ऊन लिया है, उसमें भी थोड़ा बहुत बच जाता है, जो भी ऊन एक्स्ट्रा लगता है झालर के लिए लगता है। तो देखिए इसका फुल लुक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 120 चैन लिए हैं, यानी 120 चैन ले लिया है हमने यहाँ पे इसको बनाने के लिए। आप 125 भी ले सकते हैं और छोटे के लिए बना रहे तो 95 चैन ले सकते हैं, यानी 3 साल के लिए 2 से 3। तो ये मैं 3 से 6 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 120 फंदे लिए हुए हैं, चैन लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, देखिए हमने देखिए यहाँ पे 2 चैन छोड़ने के बाद फ्रेंड्स देखिए तीसरी चैन में हमने डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए दो बार, देखिए फिर हमने इसी जगह डाल के एक बार और डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर देखिए हमने यहाँ पे दो चैन छोड़ने के बाद देखिए तीसरे चैन में डाल के हमने ट्रिपल देखिए डबल क्रोशिया 3 टाइम करना है। 2, एक बार और हम यहाँ पे करेंगे 3। देखिए हमने यहाँ पे पहली बार हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया किया है, उसके बाद 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन में 3 टाइम डबल क्रोशिया करना है। तो फिर हम देखिए यहाँ पे 1, 2 तीसरी चैन में फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 बार हम बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 11 नंबर की क्रोशिया ली हुई है। ये देखिए ऐसे हमने ये 60 चैन में बना लेना है, क्योंकि हमने 120 चैन लिया है तो 60 चैन एक साइड रहेगा, 60 चैन एक साइड रहेगा, तो 60 चैन में हमने ये टोटल बना लेने हैं। तो चलिए हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 20 में बना लिया है, 3 बार डबल क्रोशिया 20 टाइम ने यहाँ पे किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमने ये 60 चैन में बनाया हुआ है, 120 चैन लिया हुआ था तो 60 चैन में हमने बना लिया। तो देखिए 20वीं वाले में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 19 बार हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया हुआ है 3 टाइम। अब देखिए ये 20 वाले में हमने एक बार बना लिया है 3 बार देखिए डबल क्रोशिया, उसके बाद हम यहाँ पे एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद हमने फिर यहीं पे 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, सेम वही, सिर्फ हमने एक चैन लिया है। देखिए 2, और लास्ट में 1, 3। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने जो हमने यहाँ पे टोटल हमारे 20 बन गए हैं, 19 बनाने के बाद जो हमारा 20वीं वाला होगा ये देखिए मैं काउंट करके आप लोग को दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक यहाँ पे हुआ। और 20वीं में जो 20 वाला बनाना है उसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेके फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हमने सेम वही करना है जो यहाँ पे हमने किया था। 2 चैन छोड़ने के बाद एक चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1, 2 यहाँ पे हमने 1, 2 चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हम उधर की साइड, बस आपने काउंट कर लेना है कि इस साइड भी हमारे 19 टाइम
19 टाइम देखिए, 19 बार सिर्फ हमारा ये, दो बार डबल क्रोशिया बनेगा, तीन बार डबल क्रोशिया, 19 बार बस हमारा ये आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए हमने एक दो दो चैन स्किप करके तीसरी चैन में हमने देखिए दो चैन स्किप किया, उसके बाद तीसरी चैन में हमने देखिए ये तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत इजी डिजाइन है, थोड़ा आप लोग केयरफुली देखें तो समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए ऐसे ही हम पूरा ये एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 19 टाइम 19 बार मतलब ये बना लिया है, तीन तीन बार डबल क्रोशिया। अब देखिए हम 20वीं में आ रहे हैं, 20 बार में तो हमने क्या करना है, एक दो दो चैन स्किप करके तीसरे चैन में हमने यहाँ पे देखिए बनाना है, फिर से तीन बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए तीन बार हमने ये बना लिया है डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे, देखिए एक चैन लिया हमने, एक चैन लेने के बाद फिर से हम इसी में इसी जगह हमने तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने बना लिया, जैसे सेम हमने यहाँ पे कहा था आप लोगों से, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी बनाया है। अब हमने क्या करना है, इसको हम बड़ा करके फिर जो हमारा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक दो एक्स्ट्रा चैन है, इसको हम खोल लेंगे। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा चैन होते हैं तो आपने भी इसको ऐसे खोल लेना है। देखिए फ्रेंड्स इसको हमने ऐसे खोल लिया, अब इसको हम टाइट खींच देंगे। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा चैन था तो यहाँ पर हमने खोल लिया। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट हमने कैसे करना है, देखिए इसको आपने ऐसे पकड़ना है, देखिए हमारा सीधे की साइड होना चाहिए, पलटने ना पाए दोनों पट्टी। देखिए हम ज्वाइंट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले में ले जाके स्लिप स्टिच के थ्रू हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। ये देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा लूप लेंगे। अब हम नीचे से भी ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने ये खोला था एक्स्ट्रा धागा उसको भी हम ले जाके ये यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर इसको भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद हमने यहाँ पे तीन चैन लेना, देखिए एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद हमने देखिए ये इसी जगह में हमने देखिए यहाँ पे जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार। तो हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा तीन बार डबल क्रोशिया हो जाएगा। तीन बार क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमने यहाँ पे चैन लिया हुआ था, तीन चैन लिया हुआ था वो हो गया और दो बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने क्या करना है, देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा स्पेस है, देखिए यहाँ पे तो हमने तीन बार डबल क्रोशिया बनाया था लेकिन यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे फिर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया बना लिया, फिर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है जितनी हमारी गैपिंग है वहां तक हमने फिर तीन तीन बार डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। डबल क्रोशिया मीन्स फ्रेंड्स देखिए दो बार निकाला, फिर दो बार दो फंदे को निकाला। तो देखिए कितनी इजी डिजाइन है, आप इसे जल्दी से बना भी लेंगे और सारी बिगनर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे ही ये पूरी यहाँ तक आना है जहाँ तक हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे आके फिर हम बताते हैं कि आपने क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद एक चैन लेके फिर तीन बार डबल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पे देखिए फिर हम आ गए हैं, हमने यहाँ पे फिर वही सेम करना है। देखिए तो ये ऐसे ही हमारी
तीन लाइन कंप्लीट होगी। फिर देखिए एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है ये। अब हम देखिए फिर सेम हमने वही करना है, सारी जहाँ पे ये स्पेस है यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बना के फिर हम यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ पे भी हमने यही करना है, ये देखिए। तो चलिए यहाँ तक आते हैं फिर। अब देखिए फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ था छः बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हम सेंटर में ले जाएंगे। हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बना लिया है, देखिए तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लिया, फिर तीन बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे, जो हमने यहाँ पे चैन लिया था यहीं पे हमने इसको ज्वाइंट कर देना है लास्ट वाली चैन में ले जाके। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे डाला और स्लिप स्टिच के थ्रू हमने यहाँ पे इसको देखिए ऐसे निकालेंगे और ये हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। फिर हमने क्या करना है, देखिए थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन लिया, फिर जो यहाँ पे गैपिंग है देखिए यहाँ पे फिर हम वैसे ही करते हुए एक रो और कंप्लीट करेंगे सेम है जैसे ही। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इतना ये कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे वाइट तीन कलर, तीन लाइन मैंने ये ब्लू से बनाया था, उसके बाद सेम जैसे मैंने ये ब्लू कलर से बनाया था सेम वैसे ही तीन कलर, तीन लाइन हमने वाइट से बनाया है, फिर तीन लाइन ब्लू से बनाया है, फिर उसके बाद दो लाइन वाइट से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। यहाँ पे टोटल देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल हमारी यहाँ पे दस लाइन हमने यहाँ पे बनाया है। आप चाहें तो सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी टेन लाइन जो हमने यहाँ पे बनाया मिला के, आप दस लाइन को मल्टी कलर में भी टेन कलर से भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था सेम वैसे ही वाइट कलर को हमने लगा के उतना ही हमने यहाँ तक यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हमने मुड्ढे की कटिंग करनी है, तो मुड्ढे की कटाई के लिए सबसे पहले हमने दो सेफ्टी पिन लेना है, दो सेफ्टी पिन लेके फ्रेंड्स उसके बाद चलिए हम यहाँ पे देखिए कैसे मुड्ढे को घटाते हैं। तो ये हमारा दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए, बराबर है क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट करके फिर बनाया हुआ है। तो देखिए इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, इसको हमने ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद देखिए हमने इसको ऐसे बराबर में फोल्ड किया, ये देखिए। फोल्ड करने के बाद हम आपने जितना भी अपने मुड्ढे की घटाई के लिए रखना है उतना ही लेके हमने, तो देखिए यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः हमने देखिए इधर भी एक दो तीन चार पाँच और एक यहाँ पे छः, तो हमने यहाँ पे टोटल अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगा लेते हैं, दो सेफ्टी पिन लेना है आपने। और सेम इस साइड भी आपने देखिए यहाँ भी हम दो सेफ्टी पिन आपने लेके लगा लेना है। ये हमारी मुड्ढे की कटिंग हो गई, तो देखिए ये हमारा सेम बराबर है। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल अब चलिए हम वाइट कलर से एक लाइन और बनाएंगे, वाइट कलर से हम एक लाइन और बनाएंगे इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे वाइट की सिर्फ दो लाइन ही बनाई है, तो हमने तीन लाइन बनाना है, तो इसलिए अब वाइट कलर से ही हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम पिन को खोलेंगे और यहाँ से हम वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे एक साइड का खोल के, फिर देखिए हमने एक साइड का खोल के और यहाँ पे लगा देंगे एक साइड। तो देखिए यहाँ से हमने ज्वाइंट करना है वाइट कलर को, तो वाइट कलर को हमने ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे एक मैजिक लूप ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन लेने के बाद यहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए
एक बार हमने बना लिया और एक चैन का हम काउंट कर लेंगे, दो हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीन, ये देखिए हम चैन को, जो तीन चैन लिया था उसको भी हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे टोटल हो जाएंगे तीन बार। उसके बाद आपने यही करना है, हर जितने भी हमने गैप दिख रहे हैं सब में हमने तीन बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बार बनाएंगे फिर आप ईजिली इसको बना लेंगे। देखने में भले ही आपको डिफ़िकल्ट लगे लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत जल्दी भी बनता है। जबकि मुझे क्रोशिया में इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड, लेकिन मुझे ये किसी को गिफ्ट करना है इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। और लेकिन बहुत ही ईजी है ये और बहुत जल्दी बनता है। ये देखिए अब आपने ऐसे ही ये पूरी लाइन, हम यहाँ तक आते हैं बुनकर जहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए तीन बार बनाना है और सेम ऐसे ही बनाना है। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, तो इसको हम यहाँ पे भी तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद एक चैन लेके फिर तीन टाइम डबल क्रोशिया। तो कितनी ईजी ये डिज़ाइन है, बस आपने ये सारे बिगनर्स के लिए भी है जिनको क्रोशिया नहीं चलाना आता है बिल्कुल, वो भी इसको बना सकती हैं, जिसको बस थोड़ा चैन वगैरह लेने आता है वो भी ये लोग वो बना सकती हैं। अब देखिए एक और यहाँ पे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए तीन चैन बनाने के बाद, सॉरी तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन फिर तीन बार, फिर हम ये यहाँ तक बुनकर ऐसे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ये पिन लगाया था, तो इसको हमने ज्वाइंट कैसे करना है, देखिए हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे, सॉरी डबल क्रोशिया से ही ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पिन को खोल लेना है, ये देखिए पिन को हमने खोल लिया। अब हम देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए फिर यहाँ पे हमने ये तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमने तीन बार डबल क्रोशिया बना के फिर हम देखिए यहाँ पे देखिए हमने इसको ऐसे ज्वाइंट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने पिन लगाया था, तो यहाँ पे पहले हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं, सॉरी डबल क्रोशिया तीन बार। ये देखिए यहाँ पे बना लिया। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करना है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले यहाँ पे पिन को निकालेंगे। पिन को निकालने के बाद देखिए पिन को निकालने के बाद हमने इसको ज्वाइंट कैसे करना है, तो हम ये डबल क्रोशिया अब देखिए हम इसको ज्वाइंट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे पहले पिन को हम निकाल देते हैं, पिन को निकालने के बाद देखिए देखिए अब इस हुक में डाल के हमने यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए दो हो गया, फिर उसी जगह तीन, यहाँ पे देखिए तीन बार हो गया। अब हमने क्या करना है, हम इधर के साइड नहीं बुनना है, हमने ये मुड्ढे की घटाई हो गई हमारी, अब इस साइड ही हम ये पूरा जितना भी स्पेस है हमने यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए तो चलिए हम वहाँ तक आते हैं करके ऐसे बना के। अब देखिए हम यहाँ पे सेंटर में आ गए, सेंटर में आने के बाद फिर हमने वही करना है, देखिए तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चैन फिर तीन बार यहाँ पे डबल क्रोशिया। अब देखिए हमने क्या करना है, फिर हम यहाँ तक आते हैं ऐसे ही बना के, जितने भी स्पेस है सब में तीन बार डबल क्रोशिया करके ये हमने बनाना है।
अब देखिए फिर हम पिन वाली जगह पे आ गए, तो पिन को हम सबसे पहले खोल के निकाल देते हैं। जहाँ पे हमने ये मुड्डे की कटिंग की थी वहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3, 3 बार बना लिया। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे डालेंगे यहाँ पे लाके, देखिए इस साइड आ जाए ताकि तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा दूँ, इसके मुड्डी की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए पूरा हमारा यहाँ पे देखिए मुड्डी की कटिंग, यहाँ पे देखिए अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोनों साइड से हमने यहाँ पे मुड्डे की कटिंग कर ली है, देखिए इधर भी और इधर भी, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे सिंपल से अब हमने बनाना है, आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में बना सकते हैं या 2 कलर में। तो मैं यहाँ पे टोटल दोनों 2 कलर में साथ में लेके चलूँगी, जैसे ऊपर की साइड बनाया है। अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे ब्लू कलर को, ब्लू कलर के लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे, जॉइंट करने के लिए देखिए हमने सेकंड कलर लगाने के लिए मैजिक लूप लिया है, तो जॉइंट हम यहीं से करेंगे। अगर हम सिंगल कलर का लगाते फ्रेंड्स तो धागा यहाँ पे हम कट कर देते, लेकिन इसी धागे की बीच से हम निकाल के यहाँ पर इसको जॉइंट कर देते हैं ब्लू कलर को। तो ब्लू कलर को अब हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चैन लेना है, देखिए 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार चैन का हो गया और 2 बार हम सॉरी डबल क्रोशिया, 3 बार, तो 1 बार हमने यहाँ पे चैन का बना लिया और 2 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा है, आपने जितने भी हमारे यहाँ पे गैप दिख रही है सब में हमने यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करके यहाँ तक आना है। अब देखिए हम सेंटर में आ गए हैं, फिर यहाँ पर हमने वही करना है, 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेके फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी के उसमें हम यही करना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा कंप्लीट करके, एक चीज़ और फ्रेंड, जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस वाले चैन में आपने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ तक पूरी प्रोसेस वही रहेगी। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा देखिए बहुत ही खूबसूरत बना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने पूरे देखिए दोनों कलर को साथ में लेके चले हैं, इक्वल इक्वल हमने यहाँ पे कलर लगाया है वाइट और ब्लू को। और यहाँ पे देखिए मैंने कितनी लाइन बुनी है वो आप लोग को बता दूँ, 2 तो वाइट का हमने बुना है, यहाँ से देखिए ये वाला जब हमने मुड्ढे की कटिंग की थी, उसके बाद देखिए ये 3 3 3 6 9 12 15 लाइन ये है, और यहाँ पे 1 वाइट की, तो टोटल हमने ये 16 लाइन बनाई है मुड्डे की कटिंग करने के बाद। या तो आप वाइट के बाद बुनेंगे तो 3 के 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो टोटल हमने देखिए यहाँ पे 15 लाइन बनाई हुई है, ये देखिए। तो ये 2 से 5 साल की बेबी के लिए बहुत ईजली आ जाएगा, बहुत ही आराम। आप चाहें तो इसे अपने साइज का भी बना सकते हैं, यहाँ पे 4 लाइन और आपको नीट करना होगा, फिर ये फ्री साइज का भी बन जाएगा एम साइज का। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे झालर लगानी है, तो झालर हम सिर्फ यहाँ पर वाइट कलर का लगाएँगे झालर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लू कलर काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, डार्क कलर है, और वाइट कलर का हम झालर लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों कलर का झालर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे वाइट कलर का लगाएंगे। तो झालर लगाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे झालर लगाने के लिए हमने व्हाइट कलर के ये धागे को कट कर लिया 6-6 इंच के। सेम आपने एक ही बराबर धागे को रखना है ऊन को। तो यहाँ पे हमने देखिए एकदम बराबर में कट कर लिया है। इसके बाद देखिए, क्योंकि हम इसको 6 इंच का बनाए हैं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लगाएंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा इतना इतना। तो यहाँ पे हमने देखिए 4-4 बार, ये देखिए 1, 2, 3, 3 × 2 = 6, 3 बार हमने यहाँ पे लपेटा हुआ है, तो ये हमारा देखिए इतना मोटा बनेगा। तो ऐसे ही आपने दोनों कलर का भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट कलर का बनाऊँगी। तो चलिए अब इसको हम लगाना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इतनी झालर लगा ली है। अब चलिए देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे, ये देखिए। अभी आप लोग को देखने में बड़ा लग रहा है, अभी इसकी कटिंग होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटा बड़ा है तो हमें ये बराबर करना होगा। तो चलिए हम लगाना सीखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी। आप यहाँ पे ना कोई आपने धागा लेना है फ्रेंड्स, ना ही कोई ऊन लेनी है, क्यों हम इसको बांधने के लिए धागा या ऊन की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए मैं आप लोग को सिर्फ हाथ से लगाना बताऊँगी, बहुत ही ईजी है। ये देखिए, हमने इसको पहले आपने इसको बराबर कर लेना है। देखिए ये हमारा बराबर हो गया, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक एक लूप हम छोड़ के फिर लगा रहे हैं। आप चाहें तो पूरे में लगाएं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक छोड़ के लगाऊंगी इसको। देखिए यहाँ पे लगाया, फिर एक हम ये चैन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे देखिए इसको आपने ऐसे करना है। इसको देखिए ट्विस्ट किया हमने, फिर हमने क्या करना है देखिए, इसको अंदर डालेंगे। ये देखिए ऊपर की साइड से हमने इसको अंदर डालना है, फिर यहाँ पे देखिए इसको फिंगर की सहायता से इसको ऐसे हम निकाल के और खींच देंगे। तो ये हमारा एकदम देखिए फ्रेंड्स पक्का हो जाएगा, ना कभी ये धुलने पे निकलेगा और ना ही ये खींचेगी। तो ये देखिए एकदम पक्की वाली हो जाती है। अब देखिए फिर हम यहाँ पे धागे लेंगे, ये देखिए हमने धागा लिया और इसको हम देखिए पहले हमने इसको ऐसे बराबर को किया। बराबर करने के बाद फिर देखिए ये हमने फिंगर से ऐसे ट्विस्ट किया। आप देखिए एक चैन छोड़ के फिर हम दूसरी चैन में इसको ऊपर की साइड से डाल के फिर देखिए सेंटर से हमने जितने भी धागे उसके बीच से ये ऊपर से इसको ऐसे निकालेंगे। आपने इतना बस केयर करना है, ऊपर से डालना है। देखिए नीचे की साइड हमारा ऐसे कुछ बन के आ रहा है, ये देखिए पीछे की साइड, ऊपर की साइड हमारा ऐसे बन के आएगा। फिर हम देखिए एक चैन छोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इसको बराबर कर लिया, सॉरी ये देखिए हमने इसको लिया और यहाँ पे इसको बराबर किया। फिर देखिए इसको हम एक चैन छोड़ के इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, देखिए फिर इसको हम ऐसे इसमें डाल के ये देखिए इसकी जो गैपिंग है यहाँ से हम इसको अपने हाथ से ऐसे को देखिए निकाल लिया, ये देखिए। फिर देखिए एक हमने यहाँ पे छोड़ा, नहीं सही, देखिए एक छोड़ा, फिर इसको हम बराबर कर लिए। देखिए फ्रेंड्स इसको हमने बराबर किया, इसको आपने हल्का से ट्विस्ट किया, ये देखिए ट्विस्ट करने के बाद हम देखिए इसको यहाँ पे ऐसे को डालेंगे और फिर इसके अंदर से हम और धागे को ऐसे को निकाल देंगे, ये देखिए। तो देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरे में झालर लगा लिया है। तो देखिए ये बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी दोनों सेम एक ही जैसा है, दोनों साइड हमने यहाँ पे झालर लगा लिया है। अब झालर को हम कट करेंगे बराबर। आपने क्या करना है, अपने हाथों से देखिए इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। वैसे तो मैंने मेजरमेंट करके बनाया है 12-12 इंच लेके, तो सारे हमारे बराबर है। तो हम यहाँ पे झालर को बराबर कैसे कट करेंगे, ये देखिए आपने ऐसे हाथों को ले अपने हाथों से पकड़ना है इसको, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, तो इसको आपने एकदम बराबर ले जाके फिर देखिए, फिर हमने यहाँ पर कैंची लेनी है। कैंची की सहायता से देखिए ये हमारा एकदम बराबर हो गया है। तो हमने एकदम बराबर ऐसे कट कर लिया। ऐसे ही आपने एक एक लेते हुए ये आपने एकदम बराबर कटिंग कर लेनी है। देखिए कितनी इजी ट्रिक है, ये देखिए एकदम हमारा इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे
फिर यहाँ पे देखिए हमने इसको बराबर करना है और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। आप इससे छोटी भी झालर रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़ा झालर भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये टोटल कंप्लीट कर ली है, तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बनाए, अगर हाँ आप लोग बड़ा बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, किसी भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं फिर मैं आप लोग को बना के ज़रूर दिखाऊँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।